राम मंदिर शिलान्यास की पहली ईंट रखी थी एक बिहारी ने। आखिर कैसे एक दलित ने रचा था इतिहास? आखिर क्यों बड़े नेताओं के होते हुए बिहार के कामेश्वर चौपाल को राम मंदिर निर्माण की पहली ईंट रखने का मिला था मौका? नमस्कार, मैं राजमोहन तिवारी, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। जैसा कि आपको मालूम होगा, 5 अगस्त 2020 पूरे भारत के लिए ऐतिहासिक तारीख बनने जा रही है। 5 अगस्त को श्री राम जी की नगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होना है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 18 जुलाई को अयोध्या में हुई बैठक में 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए तय किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन में शामिल होंगे और मंदिर निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार अयोध्या आएंगे। भूमि पूजन के लिए 12:15 का समय निश्चित किया गया है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि राम मंदिर निर्माण की पहली ईंट कब रखी गई और किसने रखी थी? शायद आपको यह मालूम ना हो, क्योंकि किस्सा यह 31 साल पुराना है। आज से ठीक 31 साल पहले 1989 में पहली बार मंदिर निर्माण के लिए हुए शिलान्यास कार्यक्रम में एक दलित बिहारी ने मंदिर निर्माण की पहली ईंट रखी थी। कामेश्वर चौपाल वह बिहारी थे जिन्हें यह ऐतिहासिक मौका मिला था। लेकिन अब सवाल उठता है कि इतने बड़े नेताओं, धर्मगुरुओं, संतों के होते हुए आखिर कैसे बिहार के पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा मौका मिल गया? इसका जवाब 1989 से पहले घटी एक घटना से जुड़ा हुआ है। दरअसल 1981 में तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम में 800 दलितों ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। उन सभी का कहना था कि उन्होंने यह कदम उनके साथ हुए भेदभाव के कारण उठाया था। 800 दलित हिंदुओं का इस्लाम कबूल करना कोई छोटी खबर नहीं थी। कामेश्वर चौपाल भी कहते हैं कि यही वो घटना है जिससे उनके भीतर राम मंदिर को लेकर इच्छा बलवती हो गई थी। उस समय कामेश्वर चौपाल संघ के प्रति पूरी तरह समर्पित हो चुके थे और उन्हें मधुबनी जिले का जिला प्रचारक बना दिया गया था। जब 1986 में राम मंदिर का दरवाजा खुला जो वर्षों से बंद था, तब देश के धर्मगुरुओं ने तय किया कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। वर्ष 1989 में राम मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम तय हुआ, लेकिन तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम में 800 दलितों के इस्लाम कबूलने की घटना को हिंदू परिषद और धर्मगुरु भूले नहीं थे। इसलिए शिलान्यास कार्यक्रम से ठीक पहले कुंभ के मेले में धर्मगुरुओं ने तय किया कि किसी दलित शख्स से ही शिलान्यास कार्यक्रम कराया जाएगा, ताकि हिंदू समाज में यह संदेश जाए कि सभी हिंदू एक हैं और हिंदू धर्म में दलित के नाम पर भेदभाव की कोई जगह नहीं है। कामेश्वर चौपाल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि विश्व हिंदू परिषद में बिहार के सह संगठन मंत्री होने के नाते मंदिर के शिलान्यास के समय वो अयोध्या में मौजूद थे। वो एक टेंट में रह रहे थे, तभी उनके कमरे में अशोक सिंहल के एक बेहद नजदीकी व्यक्ति आए और उन्होंने बताया कि आपको शिलान्यास के लिए चुना गया है, यानी भगवान राम के मंदिर निर्माण की पहली ईंट आप ही रखेंगे। श्री चौपाल बताते हैं कि उन्हें यह पता था कि धर्मगुरुओं ने किसी दलित से ईंट रखवाने का निर्णय लिया है, लेकिन वे खुद होंगे यह संयोग रहा। इस संबंध में उन्हें पहले से कोई जानकारी नहीं थी। कई बड़े नेताओं, धर्मगुरुओं की मौजूदगी में 9 नवंबर 1989 को कामेश्वर चौपाल ने राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास की पहली ईंट रखी। कामेश्वर चौपाल बिहार के सुपौल जिले के रहने वाले हैं, जो मिथिला इलाके में पड़ता है। हिंदू धर्म में मिथिला इलाके को सीता का घर भी कहा जाता है। ओपन मैगजीन में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कामेश्वर चौपाल ने बताया था, हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो राम को अपना रिश्तेदार मानते थे। उनके मुताबिक मिथिला इलाके में शादी के दौरान वर वधु को राम सीता के प्रतीकात्मक रूप में देखने की प्रथा है। कामेश्वर चौपाल 2002 से 2014 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं बीजेपी के तरफ से, और राम मंदिर के लिए जो 15 सदस्यीय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया है उसके भी सदस्य अभी भी वह हैं। आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।